हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर्स डेस्क। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में पूछे गए एक क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका नाम है पेडागॉजी ऑफ संस्कृत। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए पेडागॉजी का पेपर अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी का ऑनर्स पेपर हिंदी है तो बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में उस कैंडिडेट को हिंदी पेडागोजी का या फिर पेडागोजी ऑफ हिंदी का एक पेपर देना होगा। यदि किसी का ऑनर्स सब्जेक्ट सिविक्स है तो उसको पेडागोजी ऑफ सिविक्स का एक पेपर देना होगा। तो सेमेस्टर वन में आप जानते हैं कि चार पेपर्स होते हैं और सेमेस्टर टू में भी चार पेपर होते हैं बीएड के। तो बीएड में सेमेस्टर टू में जो पेपर नंबर थ्री होता है, जिसे ओवरऑल हम पेपर नंबर सेवन कहते हैं, वहाँ पर आपको पेडागोजी का पेपर देना होता है। तो जिस किसी का भी संस्कृत ऑनर्स है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि संस्कृत के पेडागोजी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर 2019 का है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 घंटे की टाइमिंग मिल जाती है। और ये क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का होता है और 10 मार्क्स इंटरनल। इस प्रकार टोटल यह 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। बाकी सारे क्वेश्चन पेपर्स की तरह ये क्वेश्चन पेपर भी तीन ग्रुप्स में बंटा हुआ होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी तथा ग्रुप सी। ग्रुप ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जहां पर प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। इस प्रकार 2×5=10 मार्क्स का ये ग्रुप होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि परिवारों के सदस्यों से सीखी गई भाषा क्या कहलाती है। इसके ऑप्शंस हैं अर्जित भाषा, मातृभाषा, या एक एवं दो दोनों, या फिर संपर्क भाषा। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। फिर अगला प्रश्न कहता है भाषा कौशलों की संख्या कितनी है। इसके ऑप्शंस हैं 4, 3, 5 या फिर 2। तो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। इस क्वेश्चन पेपर में टिक लगाए गए आंसर्स को आप सही ना माने, आप इसकी छानबीन कर लें, उसके बाद आप सही उत्तर का चुनाव करें। यहाँ मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर को दिखा रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे जो टिक लगे हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कहता है कि संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं। इसके ऑप्शंस हैं प्रत्यक्ष विधि, व्याख्या विधि, पाठ्यपुस्तक विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। फिर अगला प्रश्न कहता है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः इसके ऑप्शंस हैं भाषा शिक्षण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। अगला है उसकी इस क्षमता का प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। अगला ऑप्शन है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है भाषा शिक्षण कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। और अगला प्रश्न है कि अहम केंद्र भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। पहला है वाइगोत्स्की, फिर है स्किनर, अगला है चॉम्स्की, फिर है पियाजे। तो इन सारे ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शन का चुनाव करना है। और इसी के साथ अब हम ग्रुप बी में पहुंच चुके हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का ग्रुप होता है। यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए प्रश्नों के 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होते हैं। इस प्रकार 5×2=10 मार्क्स का ये ग्रुप बिल्कुल ग्रुप ए की तरह हो जाता है। जहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि भाषा कौशल से क्या अभिप्राय है, विभिन्न भाषा कौशलों की चर्चा करें। फिर अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 3 कि संस्कृत शिक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख करें। फिर अगला प्रश्न कहता है संस्कृत शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा करें। और ग्रुप बी का अंतिम प्रश्न कहता है संस्कृत शिक्षण की पाठशाला विधि पर टिप्पणी लिखें। और इसी के साथ अब हम ग्रुप सी में पहुंच चुके हैं,
जो कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस का ग्रुप होता है, यानी कि निबंधात्मक प्रश्न का ग्रुप है। और यहाँ भी आपको ग्रुप बी की तरह प्रश्नों के चार ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको किन्हीं दो प्रश्नों का जवाब देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक के होते हैं। इस प्रकार 10 × 2 = 20 मार्क्स का ये ग्रुप हो जाता है। तो इसमें पहला प्रश्न कहता है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर संस्कृत भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। तो ग्रुप सी का ये पहला प्रश्न था और बाकी के बचे यहाँ पे 3 प्रश्न हम देखते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है कि संस्कृत भाषा साहित्य का ऐतिहासिक अवलोकन करते हुए संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम में स्थान सुनिश्चित कीजिए। फिर अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा शिक्षक के गुणों की विस्तार से चर्चा करें। और ग्रुप सी का लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री से क्या तात्पर्य है, इनके प्रयोग के समय शिक्षक को कौन कौन सी प्रमुख सावधानियां अपनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर करो हमारे चैनल को, और यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।